साथ लेके चलेंगे। देखिए, जब तक वोट था जिन्होंने हमको वोट दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने जिस भी कारण से नहीं दिया, या तो मुझे जानते ही नहीं होंगे, या पार्टी को नहीं जानते होंगे, या अभिजीत दास से नाराजगी होगी, जिस भी कारण से हमें वोट नहीं दिया, हम उनके भी उतने ही करीब हैं और वो भी हमारे साथी हैं। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि उनका भी हम दिल जीत पाए, और अगली बार जब भी इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो मैं चाहूंगा उन सबका भी वोट बीजेपी को जरूर मिले। और केंद्र की बहुत सारी अच्छी योजनाएं, चाहे वो सिंचाई की हो, कृषि से रिलेटेड, या किसान की बीमा योजना हो, चाहे जो गरीब परिवार जिनके पास घर नहीं है हर एक को घर देने का विषय हो, चाहे आयुष्मान भारत हो जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बीमार होता है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकता है, ये सब योजनाएं बंगाल में जरूर लागू करेंगे। और ममता दीदी का अत्याचार इसी तरह रहा तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए क्या है, आप सबको पता है बंगाल का अत्याचार जो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है, और जैसे ही 17 काउंसिलर ने बीजेपी ज्वाइन किया उनके घर पे रेस किया, और उससे पहले जैसे उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए चेयरमैन को पत्र दिया, वैसे उन सब के ऊपर में जो है फेक केसेस लगा दिया। तो ये तो मैंने देखा, ये आम है बंगाल के अंदर में, किसी को भी पकड़ के, जो टीएमसी का नहीं है उसको पकड़ के केस ठोक देंगे, उसको पकड़ के जेल ठोक देंगे। तो ये ममता दीदी का अत्याचार है, ये कोई आम मतलब बहुत आम सी बात हो गई बंगाल के अंदर में। और देख करके ताज्जुब होता है कि जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं वो बंगाल में तो एटलीस्ट नहीं दिखता। आप तो विषय बोलते हैं जो एतदिन मैंने विभिन्न एर आगे पर दो बार बीजेपी जिला थे जीतछे, এইবার মানে চোখের পলকে কোনো উন্নয়ন হয়নি, মানে সাংসদ কাপলতে কোনো উন্নয়ন হয়নি, আপনি কি করেন? देखिए ना, क्या है कि इससे पहले भी 2 बार सांसद रहे, आप ठीक कह रहे हो, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन दीदी करने नहीं देती। लेकिन इस बार जो है हम पीछे नहीं हटेंगे, और चोपड़ा हमारे लिए विशेष है क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ पे जो है बंगाल से, बांग्लादेश से बहुत सारी घुसपैठियां आ रहे हैं, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। यहाँ मुस्लिम समाज भी काफी बड़े हिस्से में रहता है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं इसका समस्या का मतलब सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उनको भी बुरी नजर से देखते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनको शांति मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको विकास मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस साल आप 5 साल में देखो वो सब करके दिखाएंगे। और दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है 2021 में, और उससे पहले भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बंगाल में तय है, और जिस तेजी से गुजरात ने विकास किया है वैसे ही बंगाल भी करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।